ऑल राइट गाइज, मैं हूँ मोदी जे और मैं आपके लिए लाया हूँ बैटलफील्ड 3 स्टोरी इन हिंदी। बैटलफील्ड 3 एक फर्स्ट पर्सन शूटर वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया है ईए डाइस ने एंड पब्लिश किया है इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स ने। ये एक सीक्वल है बैटलफील्ड 2 का। तो स्टोरी शुरू होती है 15 मार्च 2014 को, जहाँ ब्लैकबर्न स्क्वाड मिसफिट 1 एक अमेरिकी स्क्वाड का पता लगाने का प्रयास करते हैं जो सुलेमानिया इराकी कुर्दिस्तान में एक इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस की जांच कर रहे होते हैं, जिसका लास्ट लोकेशन पीपल्स लिबरेशन एंड रेजिस्टेंस होता है, जो कि एक ईरानियन पैरामिलिट्री इंसर्जेंट ग्रुप द्वारा नियंत्रित क्षेत्र में था। अंततः पीएलआर द्वारा एम्ब्रश किए जाते हैं, जिसके बाद चैफेन सीरियसली इंजर्ड हो जाता है और उसे एक्सट्रैक्शन की जरूरत पड़ती है। वे लापता स्क्वाड को ढूंढते हैं जो पीएलआर द्वारा एम्बुश किए गए थे, लेकिन इससे पहले कि वह बच सके, एक बड़ा भूकंप शहर को बर्बाद कर देता है। ब्लैकबर्न साथी स्क्वाडमेट मोंटेस और अन्य बचे लोग शहर के खंडर से बाहर निकलने के लिए लड़ते हैं। उसी दिन ईरान में पीएलआर एक तख्ता पलट कर देता है और इसे एक सैन्य तानाशाही में बदल देता है और अमेरिका भी बाद में इन्वेड कर देता है। लेफ्टिनेंट हॉकिंस भी ईरान के ऊपर दुश्मन के लड़ाकों के हमले और मेहराबाद एयरपोर्ट पर हवाई हमले में भाग लेता है। Get your fangs out, Hawkins. We're hunting big game today. हवाई हमलों के बाद मिसफिट 1 को तेहरान में युद्ध क्षति का आकलन करने और पीएलआर के नेता फारूक अल बशीर को पकड़ने के लिए भेजा जाता है। लक्ष्य के संदिग्ध स्थान पर एक भूमिगत बैंक वॉल्ट की जांच करते हुए ब्लैकबर्न और उनकी टीम को पता चलता है कि पीएलआर ने रशियन सूटकेस न्यूक्स हासिल कर लिए हैं, जिसमें से 2 या 3 उपकरण गायब हैं। Gold mine. It's an operations room. Looks like they tried to destroy it. No, look, shit's still here. I want everything bagged and tagged. Oh shit, we got maps of Paris, New York. I got a train timetable here. It says 6:02. Holy shit. Come over here.
radioactive. Is that a good idea? We don't got a choice. Holy shit. You know what that is? Russian. Portable nukes. There's only one there. Wait, there's room for two more. Where the hell are the other two? Hey, you need to see this! There! Shit! That's Al-Bashir. Who's the other guy? I don't know. They're coming down. We need to secure the nuke and get the hell out of here. What about the intel? No, no, there's no time. Let's get the nuke and move. Now this whole building's gonna come down. This is Misfit 1-3. Misfit, this is actual send. Misfit, we've secured what appears to be a WMD. Break? There may be more than one. इसी बीच मिसफिट सर्जेंट मिलर सहित एक M1 एब्राम्स कॉलम एनविल 3 से बैकअप का अनुरोध करता है। मिलर मिसफिट 1 के हेलीकॉप्टर एक्सट्रैक्शन की सुविधा देते हैं, लेकिन उसका अब्राहम टैंक अक्षम और ख़त्म हो गया है, जबकि चालक दल क्विक रिएक्शन फोर्स के आने का इंतज़ार करते हैं। बंदी बना लेने के बाद मिलर को सुलेमान और अल-बशीर द्वारा तुरंत मार डाला जाता है और इस घटना को इंटरनेट पर फिल्माया और पोस्ट किया जाता है। When we try to protect our nation and our people, this is the price you pay. बाद में मिसफिट 1 अल-बशीर को पकड़ लेता है, जो बहुत घायल हो चुका है, जब भागते हुए उसकी व्हीकल का क्रैश हो जाता है। One four, one three, got Al-Bashir. Securing him now, over. I got him. You cover the road. यह महसूस करते हुए कि उनके साथ विश्वासघात किया गया था और उनका इस्तेमाल किया गया था, अल-बशीर सुलेमान की कुछ प्लान्स का खुलासा करता है। अल-बशीर बताता है कि सुलेमान का प्लान पेरिस और न्यूयॉर्क शहर में न्यूक्लियर बॉम्ब को डेटोनेट करने का है। How did you find me? Execution video. Suleiman. It must have been him. He said, get the bombs. Use them for leverage. And he stole them. He used me. And he uses everyone. He had dog betrayed me with his plans. Trains. And for that, I will get him for this. Listen. The 14th of this month, when the sun is set, Suleiman will strike, burn in hell, all of you. Come on, hang in there, come on! Damn it, we lost him. Misfit 1 को हथियार डीलर अमीर कैफरोव पर एक लीड मिलती है, जो सुलेमान और अल-बशीर के साथ काम कर रहा था। I'll give it to you for free. That phone contains information about a Russian arms dealer named Amir Kafarov.
He was on pretty good terms with your old buddy, Al Bashir. Did you know beating that... Beating a dead horse. I'm sorry, I didn't realize I was done speaking. Did you know that Kafarov and Al Bashir were working together? All I know is we were redeployed based on the info we got from this phone. And where was that? Northern Iran. Kafarov was believed to be there with the missing nukes. Believed to be? No one but you heard Al Bashir's confession. No one knows where he got this phone. Listen to me. We have to stop Solomon. You took the phone call. You know he's here. That's all well and good, Sergeant, but we still need you to fill in the blanks. This next part is where you have a big credibility problem. Fine. Kafarov had a villa in the Gilad Valley. We were headed there, but it got complicated. इधर डीमा कैफरोव को कैस्पियन सी कोस्ट पर अपने विला से अजरबैजान सीमा के पास पकड़ने का प्रयास करते हैं। हालांकि वे एक रशियन पैराट्रूपर बटालियन में भागते हैं, वह भी कैफरोव के बाद, जो उन्हें इंगेज करते हैं। Последние спутники его изображения показали большую оживленность на вилле. У нас всего лишь 30 минут, может даже меньше. Знаешь, а если сразу поедем на виллу? Окна затемнены. Они подумают, что мы патруль, сразу пропустят нас через ворота. Не рассчитывай на это. Смотри, смешайся с конвоем. Мы проследуем за ними внутрь. Молодец. Может быть, счастье на нашей стороне. До этого никогда не было. आगे ब्लैकबर्न के स्क्वाडमेट्स कैंपो एंड मल्कोविक एक दुश्मन की दौर में मारे जाते हैं। Push up, goddammit! Push up! Keep your shit! Blackbird! Monte! Search the Growler! Now, back of it! Go, go, go! Is it in there? It's caught in the fucking wreck! Help! Hard quick! High up that should be up! इस बीच स्पेसनाक की टीम ने डीमा के नेतृत्व में कैफरोव के विला पर हमला किया। Что ты ждёшь? Что ты ждёшь? Давай, 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 ну. Блядь. Вот, берегись. Дима, они нас не пропустят. Возьми, который спереди. Жди моей команды. Жди, жди, жди. Три, два, один, давай! Дверь трави. Дверь будет держаться какое-то время, давай. कैफरोव टीम को रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन डीमा द्वारा तुरंत पीटा जाता है। Listen, this key goes to a safe deposit box in Geneva. Take it. Take everything in it.
I don't have them! Do you understand? It's not me you want. It's not... It's Solomon! Listen, I have information about Solomon. I know what he's planning. I know where the suitcases are going. Let's make a deal. My freedom for information. You let me go, I tell you everything. I tell you where Solomon is going. I know what he's doing and where... ब्लैकबर्न विला में आता है और एक मृत कैफरोव के साथ डीमा को पाता है। डीमा ब्लैकबर्न के सामने सोलोमन की साजिश का खुलासा करता है और उनके राष्ट्रों के बीच युद्ध को रोकने के लिए उसके सहयोग का अनुरोध करता है। Solomon's using the PLR. He has at least two targets, New York and Paris. He is using public transit to move the weapons. He's going to detonate the New York device at Times Square very soon. इस बीच में सेट वन के कमांडिंग ऑफिसर कोल आते हैं और ब्लैकबर्न को डीमा को मारने से पहले उसे गोली मारने के लिए मजबूर किया जाता है। No money changing hands. Just two soldiers speaking the truth. Help me to do this. That's it. I have to leave now. You don't shoot him. Millions will die. Get down on the ground! अपने कमांडर ऑफिसर को मारने की वजह से CIA द्वारा हंटर्स पॉइंट क्वींस में ब्लैकबर्न से 8 घंटे की पूछताछ की जाती है। ब्लैकबर्न की कैद के दौरान डीमा के स्पेट्सनेज स्क्वाड ने पेरिस में हमले को रोकने का प्रयास किया, हालांकि व्लादिमीर मारा जाता है और परमाणु विस्फोट हो जाता है जिससे 80,000 लोग मारे जाते हैं। Что за херня, бля? Это же пустышка, это не ядерное оружие, бля! Топор лишь ему, где факел? इस बीच CIA एजेंट ब्लैकबर्न की कहानी को नहीं मानते क्योंकि सोलोमन एक CIA इन्फॉर्मेंट है और आतंकवादी हमलों में उसकी भागीदारी का कोई ठोस सबूत नहीं है। वे इसके बजाय मानते हैं कि हमलों के लिए रशिया जिम्मेदार है और यह कि डीमा ने ब्लैकबर्न को धोखा दिया है। Solomon has the nuke. Solomon is one of ours. He is an overseas asset and he has been for years. We put him next to Al-Bashir for information. You are shitting me. He's a murderer. You saw the video. Well, you get the good with the bad when it comes to assets, and sometimes sacrifices must be made for the greater good. Isn't that your angle? Jesus Christ. The nuke is still out there. Solomon's still out there. You can't just walk away from the threat. You might be right, Sergeant. Maybe Solomon was too close to the fire, but I assure you we are on top of this situation. The Russians are a clear and present threat. Yes. What do you mean you lost a train? कोई अन्य विकल्प नहीं होने के कारण ब्लैकबर्न और मोंटेस न्यूयॉर्क में हमले को रोकने के लिए कैद से बाहर निकल जाते हैं। Dave, you trust me?
All right. Follow my lead. पुलिस से बचते हुए ब्लैकबर्न हाईजैक की हुई लॉन्ग आइलैंड रेल रोड कम्यूटर ट्रेन में छुपकर घुस जाता है, जो सोलोमन के लोगों और विस्फोटकों से भरा है। वह लड़ते हुए फ्रंट कार के लिए अपना रास्ता बनाता है, जहां वह सोलोमन द्वारा एम्बुस्ट किया जाता है। हाथापाई में ब्लैकबर्न डेटोनेटर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। Afraid to die? How about you? Help! ब्लैकबर्न सीवरों से और सड़क तक सोलोमन का पीछा करता है। मोंटेस एक कार लेने के बाद ब्लैकबर्न को पिक करता है और सोलोमन और पीएलआर को चेस करता है, जो टाइम स्क्वायर में आपस में क्रैश हो जाते हैं।
यहाँ सोलेमन मोंटेस को गोली मार देता है। ब्लैकबर्न सोलेमन को ईच से मारता है और परमाणु बम को विस्फोट करने से रोकता है। Radiation is like life, a uniquely damaging event. Perhaps I will live another 30 years. Perhaps I will die tomorrow. एंड में यह पता चलता है कि रेडिएशन पॉइजनिंग से सफर करने वाला डीमा पेरिस विस्फोट से बच गया है। वह सोलोमन की योजना दुनिया में आग लगाने को रोकने के लिए खुद और ब्लैकबर्न दोनों के प्रयासों के बारे में लिखता है। जैसे ही वह लिखना खत्म करता है, वह एक पिस्टल की जांच करता है। उसके दरवाजे से एक खटखटाहट आती है, स्क्रीन काली हो जाती है और लास्ट साउंड पिस्टल लोड होने की आती है, जो संभवतः डीमा ने अपने बचाव करने के लिए तैयार की है। Many lives have been saved. Many have been lost. I am certain Moscow does not view it in the same light as I do. But enough is enough. इसी के साथ बैटलफील्ड 3 की स्टोरी यहाँ ख़त्म होती है। हमें कमेंट करके बताएं कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। इसी तरह की और स्टोरीज जानने के लिए और देखने के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमें सपोर्ट मिलता है और आगे के लिए हम मोटिवेटेड रहते हैं।